हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेचुरल डिलाइट बाय प्रीति। ये हमारा गॉम्फरीना का प्लांट और यहाँ पे है पिटूनिया का प्लांट। और आज मैं फिर से सुगंधा आंटी के घर पे आई हूँ इस ब्यूटीफुल प्लांट के बारे में डिस्कस करने के लिए। इसे कैलेडियम बाइकलर बोलते हैं, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे ग्रो करते हैं। ग्रो करते हैं, कितनी ब्यूटीफुल लीव्स है इसकी, देखिए किस तरह से बड़ी बड़ी लीव्स आती है। और जब ये छोटा होता है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये लीव्स सेम प्लांट है। जब ये ग्रो हो रहा होता है, छोटा होता है तो छोटी लीव्स रहती है, फिर धीरे धीरे इसके साइज देखिए। एक लीफ आराम से मतलब 20 दिन 30 दिन तक स्टैंड करती रहती है इस तरह से। तो बड़ा सुंदर सा प्लांट है ये। और इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं कि कैसे कैसे इसको क्या क्या चीज़ें पसंद होती है। सनलाइट इसको बहुत तेज सनलाइट नहीं पसंद है, हार्श सनलाइट नहीं पसंद है। हाँ, इसको सनलाइट पसंद है, मतलब आपको हीट जो होती है, गर्मी होती है, वो इसे बहुत पसंद होती है। लेकिन आपने अगर जैसे 40 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर होता है, 35 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर होता है, तो इसकी लीव्स बर्न होने लग जाती है। इसको जो 30 से आप 35 का टेम्परेचर आप जब इसको मिलता है, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है ये प्लांट। और इसकी जो वाटरिंग है, इसको बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि इसकी जो ये जो ग्रो होता है, ये बल्ब से ग्रो होता है, तो बल्ब भी वाटर स्टोर करके रखती है। लेकिन हाँ, आपको बहुत कम वाटरिंग भी नहीं करनी है, वो चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए, तो और हीट रहनी चाहिए, मतलब एटमॉस्फेयर में। जब गर्मी का प्लांट है ये, आप कह सकते हैं इसको समर प्लांट है, समर में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। अगर जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, लाइक जनवरी फरवरी में, तब तक इसे ये प्लांट डाई होने लग जाता है, मतलब इसकी लीफ गिरने लग जाती है। अभी मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर इतनी ठंड होती नहीं है, इसलिए अभी भी आपको ये प्लांट्स इतना अच्छे से दिख रहा है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो लीफ इसकी ड्राई होकर गिरने लग जाती है। लेकिन हमारा प्लांट नहीं मरता, इसकी ज़मीन में ही बल्ब्स रहती है, इसकी रूट्स को बल्ब बोलते हैं, वो रहती हैं। और वापस आप इसको फैब में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसको इस पोट में ही रहने देंगे तो भी ये ग्रो होने लग जाएगा, मतलब जब आप इसको वापस फैब मंथ में वाटरिंग करना स्टार्ट करेंगे तो ये अच्छे से ग्रो होने लग जाएगा। और नहीं तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, इसके बल्ब को। इसके बल्ब को स्टोर करने का तरीका ये होता है कि आप बल्ब को निकाल लें, उसको थोड़ा सा धूप में सुखा लें ताकि वो एकदम उसमें नमी या मॉइस्चर ना रहे। और आप उसको कोकोपीट, ड्राई कोकोपीट या ड्राई मिट्टी में आप उसको स्टोर करके रख लें। ये ध्यान रखें कि ड्राई रहें, गीला ना रहे, नहीं तो आपकी जो बल्ब है वो ख़राब हो सकती है, सड़ सकती है। तो चलिए, बीच में अभी वाटरिंग वाली बात थी, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करना है, लेकिन इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए, मतलब आपको मिट्टी में नमी रखनी है। और ये जो प्लांट है, इतना इजी टू ग्रो है कि ये अभी देखिए, जैसे ये वाला एक प्लांट है, इसके साथ में और प्लांट्स निकलते जा रहे हैं। ये कि यहाँ पे एक न्यू जो लीफ आई है, ये न्यू प्लांट है। तो ये प्लांट खुद ही अपने बेबी जनरेट करता रहता है, इसके रूट्स से जो होते हैं शूट्स निकलते रहते हैं, नई नई बल्ब बनती रहती है, तो नए नए प्लांट्स बनते रहते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बताती हूँ मैं, ये बहुत छोटे से पॉट में भी सर्वाइव कर सकता है। लेकिन छोटे पॉट में क्या होगा, ये रूट्स जो है मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी, आई मीन जो बेबीज है वो नहीं आ पाएंगे, पर हमारा प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर लेगा। बड़े पॉट में लगाएंगे आप इस तरह से, तो आप इसके बेबीज भी आपको मिल जाएंगे। देखिए, एक बेबी यहाँ पे आ रखा है और एक बेबी आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रखा है। तो कितना दूर दूर जाके बेबीज, मतलब रूट्स मल्टीप्लाई होती रहती है, अंदर बल्ब्स बनते रहते हैं और उसके बेबीज आते रहते हैं। ये प्लांट इतना ईजी टू ग्रो है कि आपने अगर एक बार किसी पॉट में ये लगा लिया तो लाइफ लॉन्ग आपके पॉट में रहेगा, मतलब वो बल्ब जब सीजन आ जाएगा तो बल्ब अपने आप वापस से प्लांट बन जाएगी, बेबीज आ जाएंगे। बस ओवर वाटरिंग ना करें, अगर ओवर वाटरिंग की तो आपकी बल्ब खराब हो जाएगी। और वैसे तो ये किसी भी मिट्टी में सर्वाइव कर लेता है, कोई सी भी मिट्टी लगाई हो आपने, कोकोपीट लगाई हो, बालू मिट्टी लगाई हो, कोई सी भी मिट्टी लगाओ, कोई मिट्टी का मतलब मिक्सचर का इसका इतना ध्यान नहीं रखना पड़ता है। पर सेफर साइड वो होता है ना, कि मैं हमेशा यही प्रीफर करती हूँ कि वेल ड्रेन मिट्टी ही लें, ताकि उससे क्या होगा, कभी पानी आपने ज़्यादा भी डाल दिया तो प्लांट खराब नहीं होगा, मिट्टी से पानी ड्रेन हो जाएगा। और इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती, आपका मन हो 2-3 महीने में एक बार तो डाल दो, नहीं मन हो तो भी ये ग्रो होता रहेगा। और जिसकी लीव्स की कलर है वो बहुत ही प्यारा होता है, और जब सनलाइट इसको मिलती है तो लीव का कलर अच्छा होता है, लेकिन तेज सनलाइट नहीं, मैं फिर से याद दिला देती हूँ, हार्श सनलाइट नहीं। इसको 30-35 डिग्री का टेम्परेचर इसको पसंद आता है, तो आप थोड़ी बहुत सनलाइट दें, अच्छा लगेगा। इसको समर सीजन का प्लांट है, तो अभी फेब मंथ का जो सीज़न है उसमें आप इसकी जो बल्ब्स है उन्हें ग्रो करें, ताकि 1-2 महीने में इसकी ग्रोथ अच्छे से हो जाए। और समर में जब हमारे प्लांट बहुत मुश्किल से सर्वाइव करते हैं, तो आपके पास एक सुंदर सा प्लांट ही रहे।
और अच्छे से ग्रो कराते रहें। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब आप प्लास्टिक पॉट में भी इसको लगा सकते हैं, बॉटल में भी लगा सकते हैं, तो लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर आपने प्लास्टिक पॉट में इसको लगाया है तो थोड़ा सा पानी का ध्यान रखें कि प्लास्टिक पॉट में पानी की कम जरूरत होती है। मिट्टी या सीमेंट के पॉट में क्या होता है, पानी यहाँ से भी मतलब वो एक तरह से वेपराइज हो जाता है, प्लास्टिक पॉट में नहीं हो पाता। तो प्लास्टिक पॉट में थोड़ी मिट्टी अपनी पानी का थोड़ा कम ही डालना है। और मैं इसके देखो बेबीज़ में आपको भी बताती हूँ कि मैंने भी कुछ बेबीज़ लिए हैं, इसके रूट्स दिखाती हूँ मैं। ये देखिए ये इसकी रूट की जो बल्ब है, और कितना छोटा सा क्यूट सा प्लांट है ये, बहुत छोटी सी जगह पे भी ग्रो हो जाएगा ये। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाते रहें। ओके बाय।